1897 में भारत के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमेरिकी सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए सरना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। देखा सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम देखा सुल्तान, दम देखा। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बढ़ जाए सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है, तू भाई है। गुलबादशाह मंसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट 160 बंदे आपके सामने है साहिब, आगे पोजिशन पर। सर
हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है, कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। सुबह हमारी यूनिट के मेजर रिबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोकते और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह पते हिंदुस्तानियों के खिलाफ पते। आज का हमला आखिरी हमला नहीं था। मुझे यकीन है गुलबच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। नहीं ऐसा सर, अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है जिसका मतलब है कि आमना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मद अल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमना घाटी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये दो किले, फोर्ट लॉकहार्ट जाम कर रहे और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुलबादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह, मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से 1000 हो जाएंगे। वो 5000 भी हो सकते हैं और 10000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो मेहमद अल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा गुलबादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया गुलबादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहाँ थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुलबादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वह जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली। महमदुल्ला अपनी ज़बान पे लगाम खींच, अपने औकात में रह सुल्तान। मिलेगा यकीन कस्से का महमद अल्लाह। जो बच्चों का इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर,
इस घाटी का नाम है सामना और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहेब, साथी जमीन है हिंदुस्तान की, थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, सवा लाख से एक लड़ावा तेरा गोविंद सिंह नाम को आवा। दुश्मन चाहे 2,000 हो या 10,000, छत्री सिंह रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तो जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। Of course, चांस सिंह। साहब टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपनी भविष्य की तैयारी करेंगे। बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। But sir, reinforcements के लिए हेडक्वार्टर्स ने मना कर दिया है। What can we do? साहिब मेरी बीवी मां बनने वाली है, छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब मैं छुट्टी चाहता हूं। मैं नहीं देना चाहता। साहिब मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना। इधर आओ बेटा सिंह। कम ऑन, बी शाय आउट शॉट, नथिंग टू वरी अबाउट। क्लोजर, क्लोजर, come on, a bit closer, a bit more closer, that's perfect. So tum apne senior officer ke hukm mana kar rahe ho? Woh baat nahi sahab, mujhe jaane do, main 2 hafton mein wapas aa jaunga. Mana kar diya na? Aap afsar log bhi to jaate ho chhuti par, pichle mahine aap hi to gaye the na? अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? स्टॉप। बुट्टा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 डाक गिनों का माफी मांग लो। माफी मांगो। Apologize, Bertha! Apologize! Kamala Naman, maafi mangla. Ek! Teen! Scoundrels! Both of you!
मुझसे बचकर रहना। कमजोर नहीं है बुट्टा सिंह, जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं, उनके सम्मान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो वीरे, ठीक है तू? ठीक है सर। बॉजी ना मिल, बॉजी ना मिल। अब क्या होना है पुत्र? चल चल के कट्ठे रोटी खाइए। कट्ठे रोटी खाने आ। जिंदा। बोले आया बाबू जी। आ जा आ जा। इशर है। पुत्तर आ जा बैठ के कट्ठे रोटी खाने आ।
जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं, ये बात अपने दिल और जहन में डालो। और याद में सिपाही का खून जाता है। मां सुने,
Totally 17 injured soldiers, but thankfully, sabhi khatre se bahar hai. Asla? Har ek goli ke liye ek dushman. But agli baar agar jang hogi, to asla kafi nahi hoga. Yes, Chan Singh. Gurdwara mein ardas ki thi sab. Ye prasad. Ardas is prayer. Sab. Thank you, Chan Singh. Sab. It's very tasty. Chora aur milega. Bilkul sab. Thank you. Sab. Sab Gulista ke faujiyon ke liye kadhai par prasad aapke ardali ke paas rakhwa diya. Shukriya. Aur ha Chan Singh. अगली बार जब अरदास करो तो ये मांगना की कोई और अगजाए वापस जिंदा ना लौटे नहीं लौटेंगे साहब इस बार ही 1000 आए थे अगली बार 2000 आएंगे फिर भी हारेंगे जंग जीतने के लिए असला नहीं लगता साहब जज्बा लगता है तुम ठीक कह रहे हो चांद सिंह अगली बार और अगजाए 200 की नहीं 2000 की तैयारी करेंगे और अगर लॉकहार्ट पर अटैक हुआ तो गुलिस्तान को मदद करनी होगी और अगर गुलिस्तान पर हुआ तो लॉकहार्ट को हमें बस ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिसे दो किले एक दूसरे को मैसेज पहुंचा सके एक ऐसी तरकीब जिसे और अगजाए टेलीग्राफ लाइन की तरह काट न सके और हम दुश्मन पर नजर रख सके इट्स एब्सोल्युटली इंपेरेटिव दैट वी डू दिस सर वी हैव अ लॉट एट स्टेक यू आर एब्सोल्युटली राइट मेजर कारतूस से खेलने की उम्र नहीं है तेरी चल नीचे आ कारतूस के बिना बंदूक किस काम की ए तुसी रख लो पहला फिर दे दे मेरे काम तुसी रख लो इसी आप रोटी नहीं खा रहे तू खा भी रहे मैं बाज खाना है इसकी चाची ने सब कुछ सिखाया लेकिन डरना नहीं सिखाया इतना अच्छा जाएगा सब पढ़ कर ले आएगा तो सुट भी देगा और काट लेगा तेरे को काट लेगा सिंह जी का मैं ये भी शुरू करो पापा जी और सब ठीक तो चल रहा ना तेरी पोस्टिंग ठीक है पोस्टिंग ठीक नहीं है पापा जी क्यों उगानियों का एक कबीला है और रुकजाई ना उसे उस सामना घाटी पर हमला कर उस पर कब्जा करना चाहते हैं आप समझो बाबा जी ये रोटी हमारी जमीन है इस जमीन की सरहद पर ना और सही खेमे है साड़ी जमीन पे वो किले है किला लुकाट ते किला गुलिस्ता हमारी 36 से रेजिमेंट इन दोनों किलों का ध्यान रखती है और उपजाई दोनों किलों पर कब्जा कर ये जमीन को हड़पना चाहते हैं लुकाट की मदद से गुलिस्ता कर सकता है और गुलिस्ता की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है ये दोनों की मदद करेगा तू आजा आजा रोटी खान दे तू ही खा पुत्र जी बाबा जी जी मैं मिंटू वो गुरुद्वारे वाले भाई जी का भतीजा आ जाओ फिर रोटी खा ले नहीं जी तुसी खा लो जी मैं नहीं खा आपको याद है जी वो मैं खेतों से मूलियां चुरा के आपको देता था और आपके बाग में भी बहुत बार मैंने आंबिया चुराई थी असल में लस्सी भी पी रही थी कितनी बार अपनी तारीफ ही करता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा कभी रे हाँ जी हाँ जी मुझे भाई जी ने बुलाया आपको गुरुद्वारे में एक पहलवान आया हुआ है बरनाले से जी कुछ गंभीर मसला लगता है जी बरनाले से और बरनाले में जो बूटा रहता ये पहलवान कौन है आओ बाबा जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल
ਓਏ ਬੁੱਢਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਜੀ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓ ਇੱਥੇ ਓਏ ਖੇਤੋਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ। ਕਾਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਹਾਲ? ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਸਭ ਠੀਕ ਲੈ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਇਤਨਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਫਸਲ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਆ ਇਸਨੇ ਔਰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਲੱਗ ਪੁੱਛੋ ਇਸੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸੇ ਦੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸੇ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਉਹ ਬਾਤ ਲਗਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਦੋਨੋ ਕੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਫ਼ੀ ਯੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਜੀ ਬੂਟਾ ਕਿਉਂ ਸੇ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਲਿਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੇ ਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੇ ਕੇ ਲਿਏ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹਮਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਿ ਵੋ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੇਤਾ ਤੋ ਵਧੀਆ ਥਾ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਬੜਾ ਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਵੋ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੋਕ ਮਾਫ਼ੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਏ ਸਰ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜੇਗੀ ਸਰਦਾਰ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੇਜਰ ਡੀਬ ਕੋ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਟ ਔਰ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਇੱਕ ਬੰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਮ ਸੂਰਜ ਡੂਬਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਹੋਰ ਹੈ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਤੇ, ਭਾਰੀ ਹੈ ਵਤਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕੀ ਘੜੀ। ਜਾਗੋ 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 ਜਾਗੋ, ਰਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਚਮਨ ਕੀ, ਰਾਤ ਹੈ ਵਤਨ ਕੀ ਬੇਸਰਾ ਘੜੀ। ਖੋਲ ਦੋ ਕਿਵਾੜੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਯੇ ਲੋ ਤਲਵਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਨੋ ਕੀ ਢਾਲ ਤੋੜੇ ਸਭ ਕੀ ਰਹੇਂਗੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਬਾਂਧ, ਸੀਨੇ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਤੂਫਾਨ, ਘਰ ਸੇ ਸਿਰ ਗਿਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪਕੜਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਫੌਜ ਐ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ
हाथ का बदला हाथ, आँख का बदला आँख। इश्क इंसान को सब कुछ सिखा देता है। हमारे गांव की नहीं थी वो, उसका खेत दरिया के उस पार था और मेरा इस पार। मेले में दर्शन हो जाते थे उसके, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चोटी। अपने दिल की आवाज उस तक पहुंचानी थी, सीख लिया मैंने निशाना बांधकर अमरूद उस तक पहुंचाना, और अमरूद के साथ एक चिट्ठी भी। वाह बोला सिंह। और अब ना वो भाग रहे और ना वो कुड़ी, और हाथ में रहेगी ये बंदूक कमीनी। ओ पोला सिंह। ये हो गया पोले, कुछ हलचल हो रही है। कबीले आले हो रहे हैं, तेरी कहानी बड़ी बढ़िया, आगे सुना। और नहीं लाल सिंह जी, ये दूरबीन के साथ देख रहे हैं। लग रहा है ये किले की जासूसी कर रहे हैं। तुसी रुको, मैं देखता हूं इनको। वो की करन लग गया भोलिया। कोई नहीं, देख लेते हैं ऐसे भी। चलो देख लेते। जिंदा है। क्या करें, को सारा गड़ी भेज देते हैं, बाकी ईश्वर भाई तय करेंगे क्या करना है। साहिब सिंह जी, बाजी आप इसे ईश्वर पाजी के पास ले जाओ। जी बच्ची। और हाँ, पानी के छींटे मारते रहना, देखना कहीं मर ना जाए। जी बच्ची। अगर आप इस तरह बेचैन रहेंगे तो क्या करूं साहिद, मेरी आंखें बेचैन है हिंदुस्तानी और अंग्रेजी लाशों को देखने के लिए। हाँ, मैंने जिंदगी बख्शी है, लेकिन इशारा भी किया कि वो इस जंग में हमारा साथ नहीं देगा, पर वो चाहता है जीत हमारी हो। इंशाल्लाह। लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है।
जख्मों पे मरहम लगाने का वक्त भी नहीं देते आप। ये जख्म जरूरी है दुश्मन की याद को जिंदा रखने के लिए, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। तुम गले लगा लो, वही मरहम है। सर कलम कर देंगे हम इसका। अगर इस गुस्ताखी की वजह कोई खुशखबरी है तो ठीक है, वरना गुस्ताखी माफ हो सरदार, लेकिन खबर इतनी जरूरी थी कि आपकी इजाजत लेना भूल गया। दरअसल हम लोग सारा गाड़ी पर नजर रख रहे थे और शमशेर घायल हो गया और पकड़ा गया, लेकिन मैं बच गया। जनाब सारा गाड़ी पर सैकड़ों हिंदुस्तानी सिपाही है। जो खबर मुझको मिली है उसके हिसाब से तो 20 से 25 सिपाही। तुमको इतने सारे कैसे देख गए? गिनने का वक्त नहीं था सरदार, लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर 1000 से ऊपर सिपाही है। सारा गढ़ी के आसपास उन्होंने एक चाल सापन रखा है, इसलिए तो हमारा दोस्त उनका शिकार बन गया। मन तो करता है तुम्हारा सर कलम कर दूं, लेकिन जाओ तुम्हें बख्श दे और दफा हो जाओ। दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही है शायद, अब इससे पहले वो सारा गिरी को एक मजबूत किले में बदल दें, उन पे हमला बोलना पड़ेगा। उनके कदमों को रोकने का वक्त आ गया। एलाने जिहाद का वक्त आ गया। हिंदुस्तानियों की बीवियां शमशीर से अपनी उंगली काट कर अपने शौहर को तिलक करती है, ऐसा सुना है हमने। इसे हमने अपने खून से रंग दिया है। उस खून की कसम, इसे म्यान में तभी रखिएगा जब ये उन सारे हिंदुस्तानियों के खून से नहा जाए। इंशाल्लाह फतेह आप ही की होगी। अगर हमारी फतेह ना होगी शहीद तुम्हारी आखिरी मुलाकात हमारी खफन वाली लाश से होगी। कुछ नहीं होगा आपको, आप लौटेंगे जरूर, और वो भी उन सभी हिंदुस्तानियों के सिर लेकर। और तब तक ये सायदा आपका इंतजार करेगी।
अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। सब तैयार? जी, हाँ जी, दुश्मन की फौज मुझे हजार में लग रही है। ये संदेश तो जल्दी ईश्वर भाजी को देना पड़ेगा। पहला झंडा जी, पहला झंडा दिख रहा है। दो झंडे मतलब 2000 बंदे। दो झंडे? चार झंडे दिख रहे, पांच मतलब 4000। दस से 12000 बंदा है हमारे साथ। कब जाने कि इन्होंने पहले किस पोस्ट पे हमला करना है। ये तो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। जल्दी कर, गुलिस्ता
2000 बंदे इधर आ रहे हैं। Letter gives you the authority to redirect the troops from Lahore to Saragari. If you hurry, you may catch them. Please keep watching on Lahore. Reinforcements en route, reaching. Thank you, sir. Durmukh. Haan ji, bhaji. Hamari dono post par sandesha bhejne. Panchpan ja ke do daste aa rahe hain. Hamla jaldi hone wala hai. पीछे पीछे हो गया भाजी। चंगा hold on for 6 hours. Tell you sure to abandon it will. Ajay Gulista se sandesh aa raha hai. आपका संदेश है कि पेशावर से फौजियों का दस्ता आ रहा है, पर पहुंचते पहुंचते 6 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। चलो रवड़ी, मेरा दस्ता तैयार है। पर पाजी 6 घंटे लग जाएंगे उनको आते आते। कोई गल नहीं काके, अब रिंग को ना 6 घंटे तक यहीं रोकना है। पाजी यहाँ कैसे रोकेंगे, वो तो तीनों तरफ जा रहे हैं। और रोकेंगे, जरूर रोकेंगे। हीरा जी। पाजी एक काम कर, जी जनाब। देखो जनाब, एक हिंदुस्तानी सिख फौजी है। ओए तलाशी लो इसको। जी जनाब। जनाब
پشاور سے برطانیہ فوج کا پیغام آوے 4000 دستے اسلحہ اور بارود لے کر وہاں پہنچ گئے گولستان سارا گیری اور لوکارٹ کی حفاظت کے لیے شمشیر ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے 1000 سے زیادہ بندے دیکھے ہیں یہ بندہ اپنا پیغام لے کر وہاں جا رہا ہوگا مر گیا دشمن ہم سے 2 قدم آگے لگ رہے ہیں اکبر بادشاہ پر خدا کا میرا ہمارے ساتھ ہے محمود اللہ دشمن کا سارا خبر ان کو پہلے مل جاتا ہے کس طرح مقابلہ کرنا ہے عبدل بادشاہ ویسے ہی جیسے پہلے طے کیا تھا یا پھر اور پہلے ہم نے طے کیا تھا کہ ہم ایک ہی وقت پر 3 قلعوں پر حملہ کریں گے لیکن اب حالات بدل گئے اب مجھے لگتا ہے 3 قلعوں پر پشاور سے فوج آ چکی ہے حفاظت کے لیے اب ہم ایک ہی وقت پہ صرف ایک ہی قلعے پر حملہ کریں گے سب سے پہلے سارگی تاکہ گولستان اور لوکیٹ کے بیچ کوئی پیغام نہ بھیج سکے دشمن کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑے تو فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ اوئے سونا اوئے باقی 10 دستوں پہ پیغام بھیج دو واپس بلایا ہے ہم سارا گڑی کی طرف بڑھیں گے گل پاشا نے واپس بلایا ہے واپس جاؤ جناب گل پاشا نے واپس بلایا ہے واپس بلایا ہے چلو گھوڑوں کو واپس لاؤ اپنا جگاڑ کم کر گیا اور جس اورکزائی کی لاش کو تو نے ہندوستانی وردی پہنا کر بھیجا تھا لگتا ہے وہ اس گل بادشاہ کے ہاتھ پڑ گئی ہے اور اس نے ہمارا سندیشہ پڑھ لیا ہے تبھی اس نے اپنا ارادہ بھی بدل لیا اب اسے ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہمارے فوجی دستے بڑھ چکے ہیں اور روک لیا ہم نے اسے لوکارٹ اور گلستان جانے سے اب یہ اپنے 12000 بندے لے کے ہماری اور آ رہا ہے بس ایک باری پشاور سے بندے پہنچ جائیں پھر ہمیں یہ جنگ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا آجا گل بادشاہ آجا Thank you.
Why is the entire army of about 12,000 moving toward Sarigami? But why is Gulatek and Sarigami first? How on earth will Isha stop this huge army? Inform Gulistan that the troops will be there as soon as possible. के सामने एक के सिख कल हॉकिंग को SOS भेजो सारागरी को मदद की जरूरत है वो सिर्फ 21 है मेजर साहब का संदेश है साहब सारागढ़ी को मदद की जरूरत है सेंड अ मैसेज टू ईशर सिंह लीव सारागढ़ी इमीडिएटली जी साहब छोड़ दो ईशर पाजी कर्नल साहब का संदेश है सारागढ़ी पोस्ट छोड़ने को बोल रहे हैं वो लिख के हमारे पास तरकीब है जब तक पिशावर से बंदे आते हैं हम इन्हें यहां रोक सकते हैं हम पे भरोसा रखे ये भी लिखो हर पोस्ट की जिम्मेदारी जरूरी है ऐसे कम नहीं चलता और हमें क्या पता दुश्मन ने कब किस पोस्ट पर हमला करना है हर पोस्ट की बराबर सुरक्षा होनी चाहिए लुकआउट पे औरतें और बच्चे भी हैं कुछ भी हो सकता है पाजी उनका वापस संदेश आया है वो कह रहे हैं हम जब चाहे पोस्ट छोड़ सकते हैं और क्या और पेशावर से लोखाट और गुलिस्ता के लिए संदेश है कि वो लोग अपनी पोस्ट बना कर रखें तू जो आप भेज लोखाट को भेज कि अपनी पोस्ट की सुरक्षा करे ठीक है पाजी कहता कि पेशावर हेडक्वार्टर से खबर आई है हाँ जी पर पाजी हाँ इसका मतलब हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा ओए काके ये वक्त ना मदद की राह देखने का नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए गुरमुख हमने ना इस गुलबादशाह को इसका परचम यहाँ पे नहीं लेना देना ओए हमें के शेर ही बड़े काफी हैं इसके लिए है कि नहीं बिल्कुल पाजी चल जा जिस संदेश आए तो मुझे बता देना हाँ जी और तैयार हो जा सारे फौजी जल्दी Thank you.
से किसी फौजी दस्ते को जाते देखा है? नहीं जनाब, हमने किसी को नहीं देखा। लाहौर का रास्ता यही है ना? जी यही है। ठीक है, शुक्रिया। सब लोग अपनी पोजीशन पर। जी साहब। प्लेन का अगला कदम उठाने के लिए तैयार। रब रखा, रब रखा। चलो 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 चलो। बंदूक बाजी रब रखा। और रब रखा। तरकीब काम कर गई, रुक गया कुल बादशाह, पर इस पर भरोसा नहीं करना, कभी भी हमला कर सकता है। सब तैयार रहो। वो हिंदुस्तानी फौजी की जेब से जो पैगाम मिला था वो सही था। मैं मतलब हमने सोचा था कि हमको सारे गिरी पर कब्जा करने के लिए एक घंटा लगेगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दोगुना वक्त लगेगा। ओ पहले हम सारे गिरी पर अपना परचम लहराएंगे, उसके बाद बाकी के दो खेलों की तरफ कूच करेंगे। Thank you.
पोजीशन पर। पोजीशन बदलते रहो। रख साइकिल को ऐसा लगना चाहिए कि बंदूक है, बंदूक क्या चला रहे हैं। तैयार, एक दो। मुझे हमारे रेजिमेंट के 21 सिपाहियों की फिक्र होने लगी है। कुल बादशाह के हमला करने के तौर तरीके से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो छुप कर वार करने में माहिर है और अब की बार करीब आने तक हमें आहत भी होने नहीं देगा। आसमान में बादलों का घेरा है, इसका ये मतलब है कि टीम पोस्ट से मैसेजेस हम तक नहीं पहुंचेंगे। सारा गरी में क्या चल रहा है इसकी खबर भी हम तक नहीं आएगी। पेशावर से हमारी फौज निकल चुकी है, लेकिन ये कहां पहुंची है हम नहीं जानते। और अगर इस दौरान उन पर हमला भी हुआ तो ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हमारे सिपाहियों की एक पेट्रोलिंग यूनिट दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखेगी और उनकी खबर हम तक पहुंचाती रहेगी। हम तैयार हैं साहब। नहीं, तुम दोनों की यहां जरूरत है। दुश्मन हम पर कभी भी अचानक हमला कर सकता है। लाल सिंह जी साहब, उत्तम सिंह जी साहब, अमर सिंह जी साहब और निहाल सिंह जी साहब, तुम सब जाओगे जी साहब। साफ तो मैंने कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे। सही कह रहा पहलवान, एक तो पहले मुझे इस सुंदर से अलग कर दिया और अब किले से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। What's happening in Saragari? No communication possible with any other posts. There's no movement of the enemy either. Kulip has been quiet for some time. Kulip Singh! Yes, sir. Samne gate mein aaj se hamari do patrolling units tanat rahenge. Aur dushman ki har movement ki khabar hum tak pahunchati rahengi. Yes, sir. Yaad rahe. Heliographic badlo ki wajah se kam nahi karegi. Yes, sir. सिंह और पुतले खड़े कर दे सारे। गुरमुख, कुछ हुआ काके? कुछ नहीं हो रहा पाजी। निशान बने।
ये तो हीरा की आवाज है। ओ भाई गुरु नहीं क्यों होया? ओ भाई जिसका डर था आ रहे बंदे सारे हैं। Fatah!
जल्दी। दुश्मन को आगे आने दो, उसको पता चल गया होगा इस पोस्ट पे कितने बंदे हैं। इस बार उसने सारी ताकत एक बार में लगानी है। ईश्वर बाजिया फिक्र ना करो, आने दो इनको वापस। इन भगोड़ों को उनकी बीवियों ने वापस भेज दिया। लगता गुलबादशाह की बीवी को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मरना भेज दिया हमारे ऑटो। आ गुलबादशाह, तेरी खोपड़ी में पहली गोली मैं मारूंगा। ओ कमीनो, तुम सबको सबक सिखाना बाकी है। दिखा देंगे हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का क्या अंजाम है। ओए दद्दू, शिवाजी, अब रोटी तभी खाएंगे जब एक एक को जमीन में गाड़ देंगे। भाई गुरु जी का खालसा। भाई गुरु जी की फतह। भाई पाप है साहब ने लेकर आप। दुश्मन ने जितने भी बुत खड़े किए हैं, तोपों का निशान है उन पर लगाया जाए। सही पहचाना गुलबादशाह, एक नकली फौज के डर से हम आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। दुश्मन की चाल को समझे ही नहीं। सही पहचाना। ऐशर सिंह गुलबादशाह और जय की लाश को सिख के लिबास में भिजा रहा, वो बेवकूफ बना है। और ये फौजियों को पुतला, रास्ते में रस्सी और पंजियों का जाल, हौसला है उसमें। पर अभी उसको अंदाजा होगा कि हमको उसके हर जाल की खबर है। लगता है सब कुछ समझ गया गुलबादशाह कि हमने किस तरीके से उसे हराया था। ओए अब उसे किसी भी बजूके का कोई डर नहीं है, वो शेर की तरह आ रहा हमारे पीछे। बाजी आपका दिमाग तो बंदूक की गोली से तेज चलता है। मान लिया गुरु, आपने तो दुश्मन की जवाब समझ ली थी, वरना हम तो बेजुकों की कब्र में फायरिंग करना चाहते थे। अगर हम ऐसा करते तो गुलबादशाह हमारी धज्जियां उड़ा देता। तो बचा लिया आपने, अब आगे क्या है? तो आगे वही, हीरा सारी तैयारी कर चुका है और जीवानंद मेहर अपनी अपनी पोजिशन पे तैयार है। बाजी बारूद खराब कर रहे हो गुलबादशाह? मैं जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। मैं बदला
पहली बात तो दुश्मन को पता लगना चाहिए कि हमें उसके जाल का अंदाजा है, और उसको ये भी पता लग जाएगा हमारा ताकत कितना। और अगर इन मुद्दों के पीछे कोई हिंदुस्तानी फौजी छुपा होगा तो उसका तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहुत चंगा हुए सारे बंदे तैयार हो जाओ, मेरे हुक्म का इंतजार करो। बहुत तेज है ईशा सिंह, लेकिन वो नहीं जानता उन बादशाह को रोकना नामुमकिन है। अजय आपकी आखिरी तरकीब तो काम कर गई, और इस बार उनकी गिरफ्तार कम हुई है। हम ज्यादा देर तक उनको रोक नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि पहुंच जाएगा।
आधा घंटा भी लग सकता है, एक घंटा भी लग सकता है, बिल्कुल कुछ नहीं पता। क्या पता, क्या पता? बुरा लगा ही सहारा है अब तो। साहब, गुलबादशाह की फौज आगे बढ़ती जा रही है साहब। उन लोगों ने अब तोपों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। हमारी तरफ से जवाबी गोलाबारी जारी है, लेकिन वो तादाद में कई हजार है और सारागढ़ी में तैनात है सिर्फ 21 सिख फौजी। जुमा भी पोजीशन भर रहा हो और नेशन वर्ड से कोई इंफॉर्मेशन नहीं साहब, अभी तक तो नहीं। वाहेगुरु।
बादल और गहरा है, रब करे सब कुछ ना। और सुंदर भी चंगा कुछ नहीं सुंदर ना तो कमरा ना सुंदर में कुछ नहीं होना। शर्पा जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे मेरे ब्लास से अलग कर दिया। दो जिसमें एक जान है, आज तक एक दूसरे से अलग नहीं हुए पाजी। पर पाजी जो सुंदर में कुछ हो गया ना तो मैं दर्द को क्या लग दिखाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना था। ऐसा ना सोच, माए गुरु है साढ़े नाल देखना। शर सिंह और सभी बंदे इस कुल बच्चे पका पका के मारेंगे, कोई नहीं बच सकते, कोई नहीं। मुकाबला बेहद मुश्किल है बाजी, रब पर भरोसा रख। याद है ना तेनो, एक एक सिख अपनी जगह छोड़ के भागेगा नहीं, जिहाद में पीछा हटना खूब रहे। पहला मुकाम सारा के नहीं, दूसरा मुकाम गोरिस्तान और लोकहाट। अब ये जंग तभी खत्म होगी जब तीनों किलों में हमारा परचम लहराएगा। Thank you.
क्यों पीता? जाओ बाजी आप लड़ो, जाते क्यों नहीं, फर्ज निभाओ अपना। बाजी आपने मेरे तीर क्यों लिए हैं? राम, राम। ये आपकी है बाजी? छोड़ना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं राम। पेशावर का दस्ता नजर आने लगा है साहब। किस तरफ? साहब दक्षिण की तरफ से। ट्रूप्स के बारे में 3 घंटे और लगेंगे। सेंड अ मैसेज। जी साहब। पेशावर से निकला हुआ दस्ता अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे में पहुंच जाएगा। किसने
किसी भी फौजी को अपनी जगह सहने लगी मोहलत मत देना। जो सर बाहर निकाले वो हमारे निशाने में होना चाहिए। सबसे बाद उसी पे सलाह शहीद हो गया। ये मुझे बात मेरे भतीजे हमारे एक सिपाही की जान। हमने कम से कम नहीं तो बहुत ज्यादा तीन हजार बंदा उनका खत्म कर दिया। और किसे लगता है मौत का डर इधर? किसे लगता है मौत का डर? और मौत का डर बंदे को मरने से पहले ही मार देता है। कौन है यहां पर वो बुजदिल जो पहले ही मर चुका है? कुछ हमारे मन में मौत का खौफ हो ना तो रहता खून ना खून नहीं रहता पानी बन जाता है। कोई बंदा यहाँ पे जिसकी रगों में बाजी मार रहा है कोई नहीं बाजी और जंग ना हथियारों से नहीं जीती जाती न बड़ी बड़ी फौजों से जीती जाती है। जंग हिम्मत से जीती जाती है हौसले से जीती जाती है ना हारने वाले जज्बे से जीती जाती है। और बुटा, बुटा, क्या बात है?
और ये जो बंदा है ना कुल बादशाह, इसके इरादे नापाक है। तुम्हारी जमीन पर पांव रखकर रोकना चाहता है ये उसे। बस बच्चों और औरतों के कत्ल करेंगे। कोई मैसेज सारा गरी से? नहीं सर। इसका मतलब सारा गरी का हेलियोग्राफ काम नहीं कर रहा और गुलिस्तान से भी कोई मैसेज हम तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा फौज का दस्ता कहां पहुंच जाए। Damn it. Have to try and touch base and find out what is happening. Have they been asked to retreat? And if yes, then why are they still firing? And who is doing the firing? Stop. हम दूसरी पलटन लेकर सारा गरी जाएंगे। बलविंदर, तुम भी साथ चलो। जी साहब। सारा गरी को हमारी मदद की जरूरत है। हम तैयार हैं साहब। कला सिंह, तुम हर वक्त यहीं रहोगे और जब भी कोई खबर आए हमें तुरंत खबर कर देना। जी साहब, मैं यहीं मुस्तैद रहूंगा। बलविंदर, तुम दूसरी दस्ती को इमीडिएटली तैयार करो। आज यहाँ पे सारा बंदा सुगरू से नहीं है, प्रधान से नहीं है और ना ही कोई बंदा लोहा से है। आज हम सब सरफरोश है, हिंदुस्तानी है। बोले
कोई और तरकीब है। रुक किधर है? अरे खून पसीने से तो सारा गरीब सींचा ये सारे गरीब थे गए हिंदुस्तान और अभी तो सब खत्म होने वाला है। ईश्वर सिंह ये हिंदुस्तान मेरे साथ फिर में मिलने वाला है। सिमर बाबू आप क्यों परेशान? आप चिंता मत करो, फौजी दस्ता आ ही रहा, सब ठीक हो जाएगा। I'm missing Hira Singh. Now I'll never get to see him. उठा। मैं भी अपने भाई को कभी नहीं देख पाऊंगा। काश मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी जगह शहीद हो गया होता। वो ही अकेला है, बाकी सब भी मेरे भाई हैं। आज उन सब की याद आ रही है। सारा गाड़ी भाई साहब आधे मील की दूरी पर है, चलो जल्दी। तो दुश्मनों के साथ तो बहुत करना होता। इशर भाई जी अपने फौजी रास्ते मत पहुंचने वाले। थैंक यू सपोर्ट फॉर ईच अदर। हां सुन सही। ये तुम्हारा गुरूर है? जीवा तो ठीक है, ठीक हूँ मैं। ये दोस्तों को बचा नहीं पाया। वो किया जीवा हूँ,
सच से भी कम है अरे और कोने भी थोड़े आपके और थोड़े मेरे आज आज जीवा जल स्नान नहीं करेगा ए शेर सिंह सारे के लिए हार गया अलग रहियो करा अगर स्नान जरूर करवा देगा जीवा ये शहादत भी किसी किसी खुशनसीब को नसीब होती है तू ए शेर सिंह सारे के लिए हार गया इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं गुलबादशाह से हार गुलबादशाह अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपनी बेटी को जाएंगे संदेश आना शुरू हो गया है। ओ पाजी बताओ मैंने। और ओ कोई। भाई गुरु क्या संदेश भेज रहे हैं? छह। शून्य। अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची हम तक वही गुरु मेहर करो पर मेहर करवाए गुरु मेरे मालिक Hola.
क्या खबर है? कुछ भी नहीं। काला सिंह, कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं मेम साहब, डर लगता है ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि खबर देने वाला ही शहीद ना हो गया। जब से ये जंग छिड़ी है हम सिर्फ शहीदों की गिनती ही कर रहे हैं। सिर्फ कुर्मू की एक ऐसा है जो संदेश भेजना जानता है। ऐसा ना हो कि कहीं वो भी। हे वाहिगुरु, मेहर कर, मेहर कर उन सब पर।
मर्जी की अपनी मर्जी हमें बुलाए यानी व्यक्ति surgical delivery. Madam, deep breaths. Deep. I talk to her husband? Can I talk to her no, husband? It's not going to be possible. We don't know where he's reached. We can only send a message to Saragari and we're not getting a response. It's possible that the only man who can send and receive messages is no more. Is it true? से संदेश आने की उम्मीद नहीं लगती। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उनकी मदद करने। ठीक है कालापा जी, मैं हूं यहां पे। वाहेगुरु आपके साथ है। मेरे भाई को मार दिया।
तेरे पास आ गया मैं, तेरी गोद में सर रखकर सब सब जाऊंगा। सब ठीक है पाजी, मेरे सराहने में साहब, मुझे भी चलना आपके साथ। शुक्रिया साहब, चला जा। अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो रहे हैं और जब तक ईश्वर से मिलता है ना, कोई इन्हें छू भी नहीं पाएगा। आप कहना वहां भी रहेगा, छू भी नहीं सकते। अभी वक्त आ गया, तुमको भी लाशों के साथ सलाह रहे ईश्वर से। हमको लगा सारा के लिए एक घंटे में कब से कर लेंगे, इतना वक्त बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। और बादशाह तुझे इसकी सजा देगा, ऐसी मौत नसीब होगी कि मौत भी कांपेगी। ऐशर सिंह मोहम्मद you
Ese culto se dice todo de Sara que rico sincha. Ya Sara que ritere de Hindustan. Para mí no se ha pato de bala de Eshel Seng. De Hindustan. Eresat. Vecín me vende bala. Abandar Eshel Seng. ऐशर सिंह, ये तरह तुम्हारा गुरु है, हिंदुस्तान को बचा नहीं पाया, हार गया। ऐशर सिंह, सारे के लिए हार गया है। ऐशर सिंह सारा के लिए हार गया। ऐशर सिंह गुलबादशाह से हार गया। हाँ। अभी हम तुम्हारा सर कलम करके अपने बेबी को देंगे।
मौत से नहीं डरता गुल बच्चा। इसको आप तो बहुत खौफ है। अगर इस कमरे में आग लगा दी हो तो उसका हौसला परस्त हो जाएगा। शेर सिंह कैसे खौफ के मारे छुप के बैठा है और मैं तेरे सामने खड़ा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू हार गए शेर सिंह। जब तक मेरी सांस चलेगी ना तब तक ये सलागड़ी हमारी है। अल्लाह अल्लाह तो ठीक है फिर अपने आखिरी सांस की तैयारी करें। सही Thank you.
Let's go inside.